बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए रास रचाए साथ तुम्हारे झूम झूम दिल ये गाए हो झूम। ओम शांति। आज के प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 19 दिसंबर 2023। कल की मुरली में बाबा ने सर्विस के लिए कहा और सर्विस के लायक बनने के लिए कहा। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बच्चों को सर्विस की वृद्धि के लिए नए नए तरीके निकालने हैं और कहा कि जितनी ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएंगी अर्थात जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना ज्ञान की नई नई पॉइंट्स दूसरों को सुना सकते हैं और कहा पवित्र आत्मा पवित्रता से लाइट का ताज पाती है और पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं उनको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। बाबा कहे राजा महाराजाओं को पुण्य आत्मा कहेंगे लेकिन पवित्र आत्मा नहीं कह सकते। पवित्र आत्मा डबल ताजधारी तो लक्ष्मी नारायण है और विशेष आज बाबा ने कहा कि जो भी देवी देवताएं हैं लक्ष्मी नारायण हैं राम सीता हैं जगत अम्बा आदि इन सबकी बायोग्राफी पर समझाना है। एक को समझाने से फिर दूसरे भी निमंत्रण देते हैं ऐसे ही सर्विस वृद्धि को पाती जाती है और कहा सर्विस में लग जाने से बहुत मजा है। मम्मा बाबा को भी सर्विस में मजा आता है बच्चों को भी सर्विस करनी है। फिर कहा यह बहुत वंडरफुल पढ़ाई है इसमें जवान बच्चे बूढ़े आदि सब पढ़ते हैं। फिर कहा जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत करनी है। फिर कहा बच्चों को सर्विस के लिए सबूत देना है जिनमें देह अभिमान है वह बाप का नाम बदनाम करेंगे। जो योगी बच्चे हैं योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं ऐसे सर्विसेबल बच्चे बहुतों का मान पाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए अर्थात ज्ञान की परख ज्ञान की गहराई चाहिए। आज के मुरली से प्रश्न है बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए इसकी सहज युक्ति क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा घर परम धाम को घड़ी घड़ी याद करो बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुक तू कर अमर लोक जाना है। देह से भी बेगर न्यारे यह देह भी अपनी नहीं ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएंगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। आज मुरली में गीत बजा माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। दूसरा इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुक तो करने हैं पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। आज बाबा ने वरदान दिया एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहु रस स्थिति बन जाएंगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो सदैव एक का पाठ पक्का हो एक बाबा एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। बाबा ने एक रस स्थिति बनाने का आधार बताया कि एक के ही स्मृति में रहना है एक के ही आकर्षण में रहना है एक से ही सब रस लेने हैं एक से ही सर्व संबंध होंगे तो एक रस स्थिति सहज बन जाएंगी। आज का स्लोगन है
शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान सितारों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।